आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे कहते हैं वूवन स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझे कि आप काइंडली पैटर्न्स के बारे में वीडियोस बना दें, स्ट्रक्चर्स के बारे में कि किस तरह एक वीव जो होता है वो पैटर्न में आता है, किस तरह उसकी लिफ्टिंग होती है, किस तरह उसका पिक प्लेन होता है, किस तरह उसकी ड्राफ्टिंग होती है, किस किस स्ट्रक्चर्स में वो आते हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल प्लेन वीव, 12 वीव, सैटिन या सैटिन, बहुत सारी वीव्स है हमारे पास। हम टर्न बाय टर्न एक एक्सप्लेन करते जाएंगे इंशाल्लाह। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक देना चाहता हूँ कि व्हाट इज अ वीव डिज़ाइन। तो ये जो चीज़ें हमारे पास आती है, हमारे पास आती है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वीविंग में, कि हमारे पास जब वीविंग होती है तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला बेसिक एलिमेंट है वो है वीव डिज़ाइन। कि वीव डिज़ाइन किसे कहते हैं? द डिज़ाइन रिप्रेजेंट द वार एंड विफ्ट इंटरलेसमेंट इन द रिपीट ऑफ डिज़ाइन। ये होता है कि हमारे पास दो धागे होते हैं, एक होता है वार जो लेंथ वाइज होता है, एक होता है विफ्ट जो विड्थ वाइज होता है। ये मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी मोशन में बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। यहाँ कुछ इस तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास जब वूवन फैब्रिक बनता है तो ये हमारे पास वार्प होते हैं और कुछ इस शक्ल में हमारे पास इसके विफ्ट होते हैं। ये एक वीफ, इसको क्या कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने जिस पैटर्न पे इसको इंटरलेस किया है आगे पीछे, उस ही पैटर्न को उसके जो हमारे पास वार्प है और उसके विफ्ट है, इसकी जो इंटरलेसमेंट हो चुकी है कि एक धागा दूसरे धागे के दरमियान, फिर एक धागा दूसरे धागे, फिर इस तरह के जो लेंथ और विफ्ट के बीच में इंटरलेसमेंट होती है, उसका जो डिज़ाइन में रिपीट होता है। डिज़ाइन में रिपीट का मकसद ये है कि पहले मैंने एक जैसे कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर्स है, ये मैंने इसके नीचे कर दिया और इसके ऊपर कर दिया, दोबारा फिर मैं एक के नीचे कर रहा हूँ, एक के ऊपर कर रहा हूँ, फिर एक के नीचे कर रहा हूँ, फिर एक के ऊपर, ये क्या हो रहा है मेरे पास, ये रिपीट होता जाता है। तो डिज़ाइन के रिपीट में जब हम विफ और वार की इंटरलेसमेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं वीव। अच्छा, जो हमारे पास वीव डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम प्लेन वीव लें तो प्लेन वीव का हमारे पास क्या है कि वन बाय वन का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास एक वार्प का धागा ऊपर होगा, एक नीचे होगा। तो अगर वन बाय वन हमने करना है तो हमने ये करना है कि पहले में हमने पहला धागा वो किया, पहला धागा ऊपर है, दूसरा धागा नीचे, फिर एक धागा ऊपर है, फिर एक धागा नीचे, ठीक है जी। अब ये वाला पहले ऊपर था, अब ये वाला पहले ऊपर कर दिया, ये पहले हील शाफ्ट यूँ हो जाता है, एक शीट इंसर्ट, एक यान इंसर्ट हो जाता है विफ्ट का, फिर ये ऐसे हो जाता है, फिर एक यान जो है इंसर्ट हो जाता है, तो यहाँ हमारे आ गए, ठीक है जी। फिर तीसरी दफा ऐसे ही रिपीट हो गया। अब इसका एक रिपीट कहाँ है, इसका एक रिपीट मैं आपको दिखा दूँ, एक जिसको बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं वो यहाँ तक है, सॉरी मैं स्मार्ट पर दिखा दूँ आपको, वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। यहाँ ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो चार है, चार यहां मैंने इंसर्ट किया, यहां नहीं किया, यहां किया, यहां नहीं किया, अब इसको रिपीट कर रहा है ये देखिए, ये इसकी रिपीट है, ठीक है। अब इसका ये रिपीट होगा, अगर हम एक और वो बना लेंगे तो इसका ये रिपीट होगा, तो आप जहां देखोगे वो इसका रिपीट होगा, ठीक है। रिपीट की डेफिनेशन में अब आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एक यूनिट है हमारे पास। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कि ये वार्प और विफ्ट का धागा है, क्योंकि हम इसको वार्प कहते हैं, यहाँ ये हमारे पास वार्प को याद रखिएगा एंड्स भी कहा जाता है, विफ्ट को पिक कहा जाता है और वार्प को एंड कहा जाता है धागे को। ये हमारे पास पहला एंड है, ये हमारे पास दूसरा एंड है। अच्छा, ये हमारे पास ये पहले पिक में ऊपर है, दूसरे पिक में ऊपर है, ठीक है। पहले पिक में हमारे पास पहला एंड ऊपर था और दूसरा एंड क्या था, नीचे था। दूसरे पिक में हमारे पास, सॉरी ये मैं गलत लिख रहा हूँ, दूसरे पिक में हमारे पास क्या था, पहला एंड नीचे था और दूसरा ऊपर था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, एक रिपीट बन रहा है। इस किस्म के स्ट्रक्चर को कहते हैं वीव डिज़ाइन, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास है ड्राफ्ट प्लेन। अब ड्राफ्ट प्लेन किसे कहते हैं? देखिए, जब भी हम कोई कपड़ा बनाते हैं तो ऐसा नहीं करते कि बस कपड़ा लगा दिया और शुरू हो गए, ऐसा नहीं करते, इसका एक प्रॉपर प्लेन करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने वन बाय वन का कपड़ा बनाना है
तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल टू हील फ्रेम्स है, ठीक है जी। अब इन टू हील फ्रेम में आईज होते हैं। आईज का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक हील फ्रेम है, ठीक है, तो इसका इस तरह एक वो आता है, ये कुछ इस शक्ल में होता है, ठीक है जी, ये कुछ इस शक्ल में होता है। तो यहां हमने इस हील फ्रेम में ये दो दागे सिमिलर हम देखेंगे। पहला देखें, पहला दाग दूसरे के साथ सिमिलर है, देखें ना। यहां मैं बताता हूं क्या है, पहले टर्म पे क्या है, ये हमारे पास टू हो गया, ये थ्री हो गया, ठीक है। पहले टर्म पे ये ऊपर था, दूसरे पे नीचे था, तीसरे पे ऊपर है, चौथे पे नीचे है। अब इसको देखें, ये भी पहले ऊपर था, दूसरे पे नीचे था, पहले पे फिर ऊपर था, फिर नीचे था, इसके साथ बिल्कुल सिमिलर है। तो ये दो दागे हम एक हील फ्रेम से पास करेंगे, एक दागा इस हील लाइन से पास हो जाएगा, दूसरा दागा इस हील लाइन से पास हो जाएगा, और इस टू नंबर का जो है वो फोर नंबर सिमिलर होगा, जो मैंने नहीं दिया वो फोर नंबर सिमिलर होगा, इसीलिए टू और फोर जो है वो दूसरे हील फ्रेम से हम पास कर देंगे, और इस तरह चलता जाएगा। और इस तरह जो है वो फाइव जो है, मतलब जितने भी ऑड्स हमारे आ रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, वो सारे एक हील फ्रेम से पास हो गए, और जो हमारे पास इवन नंबर्स के दागे हैं, इवन नंबर के एंड्स हैं, वो हमारे पास दूसरे हील फ्रेम से पास हो गए। अच्छा, अब ये क्या है, ये हमारे पास पासिंग हो गई, इसे कहते हैं वीव डिजाइन। अब इसको पास करना कि हमने हील फ्रेम लगा दिया, एक प्लेन बनाना इसका और उसमें इंसर्शन करना कि कौन सा धागा जो है वो किस हील फ्रेम में जाएगा, इसे कहते हैं ड्राफ्ट प्लेन। इज द प्लेन विच रिप्रेजेंट द मैनर्स ऑफ ड्रॉइंग द इंड्स थ्रू द हील्ड आई, जो मैंने यहां आई बनाया था वो हील्ड आई था, ठीक है। यहां ये मेरे पास, इसके बिल्कुल ऊपर जो है हमारे पास क्या बनेगा, ड्राफ्ट प्लेन बनेगा, कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये वाला, ये हमारे पास ड्राफ्ट प्लेन। अच्छा, ये हमारे पास क्या थे यहाँ पे, ये हमारे पास एंड्स थे, ठीक है, और यहाँ हमारे पास पिक्स की शक्ल में ये ऊपर नीचे होते थे, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ मैंने ले लिया हील फ्रेम वन, यहाँ मैंने ले लिया हील फ्रेम टू, क्योंकि जो वीव डिजाइन है उसमें हमारे पास वर्किंग किन दो एलिमेंट्स के बीच होती है, पिक्स के बीच में होती है और एंड्स के बीच में होती है, इसलिए यहाँ एंड्स लिखा है, यहाँ पिक्स लिखा है। लेकिन जो ड्राफ्ट प्लेन है, जो वर्किंग होती है वो हील्ड फ्रेम और एंड्स के बीच में होती है। मकसद ये है कि एंड्स को हम हील्ड फ्रेम से गुजार देते हैं, ड्रिफ्ट का कोई काम नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये पहला एंड है, ये दूसरा एंड है, ये तीसरा एंड है। अब इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, कौन से को किस तरह इंसर्ट करेंगे, तो हम पहले यहाँ से वीव डिजाइन पे देख लेंगे कि पहला और तीसरा पहले हील्ड फ्रेम से पास हो रहा है, तो पहला भी इस हील्ड फ्रेम से पास हो रहा है और तीसरा भी इसी हील्ड फ्रेम से पास हो रहा है, और हम देखेंगे कि दूसरा हम दूसरे हील्ड फ्रेम से पास कर रहे हैं, तो दूसरा हम दूसरे हील्ड फ्रेम से पास कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बना, पिक प्लेन बना, पिक प्लेन सॉरी ड्राफ्ट प्लेन बनाई है हमारे पास, ये इसका ड्राफ्ट प्लेन है कि किस तरह हमने ड्राफ्टिंग करनी है, कौन से हील फ्रेम के अंदर हमने कौन सा एंड इंसर्ट करना है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द ड्राफ्ट प्लेन। तीसरा हमारे पास है पिग और लिफ्टिंग प्लेन। पिग और लिफ्टिंग प्लेन का मकसद ये है कि देखिए, पहले हमने व्यू डिजाइन बना लिया किस तरह करना है, फिर हमने इंसर्शन कर दी ड्राफ्टिंग प्लेन में, अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि कौन से पिक पे, कि कौन फॉर एग्जांपल एक पिक चला गया, शेड बन गया, हमने पिक इंसर्ट किया, मुझे ये बताए कि एक कौन सा हील फ्रेम आगे जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, क्या दूसरा नंबर ऊपर जाएगा, क्या पहला नंबर नीचे आएगा, क्या पहला नंबर ऊपर जाएगा, क्या दूसरा नंबर नीचे जाएगा, इस तरह के कुछ वो करने के लिए, ताकि बैलेंस रहे, इसको हम कहते हैं पिक और लिफ्टिंग प्लेन। नाम से जाहिर है कि ये हील फ्रेम को लिफ्ट करता है। तो यहां पे वर्किंग जो थी ड्राफ्ट प्लेन में, वो हमारे पास एंड्स और हील फ्रेम के दरमियान थी, लेकिन यहां पे जो है ये हील फ्रेम और पिक्स के दरमियान, यहां हमारे पास क्या है, ये वन पिक, ये टू पिक, ये थ्री पिक, ये फोर पिक, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पिक प्लेन,
याद रखिएगा पिग और लिफ्टिंग एक ही बात है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, पिग प्लेन और लिफ्टिंग प्लेन दो एक ही चीज़ है। अच्छा अब ये कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए हमारे पास ये देखते हैं कि पहले एंड पे हमारे पास पहला हील फ्रेम जो था वो ऊपर था और दूसरा हील फ्रेम नीचे था। तो हम ये करेंगे कि पहला हील फ्रेम को कि पहले पिक पे हमारा पहला हील फ्रेम ऊपर था, ठीक है जी, दूसरे पिक पे हमारा एक हमारा पहला हील फ्रेम नीचे था, आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरा है पहला दूसरे पिक पे हमारा पहला हील फ्रेम क्या था, नीचे था। यहाँ से आप देख सकते हो पहले पिक पे या पहले एंड पे, ठीक है, या हम देख सकते हैं पहले पिक पे कि पहला पिक ये है, ठीक है, तो पहले पिक पे हमारे पास ये पहला हील फ्रेम जो था वो ऊपर था, मैंने ऊपर लगा दिया। दूसरे पे आप देख लें तो दूसरे पिक पे हमारा नीचे था, तो हम क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं। तीसरे पे हमारे पास फिर से ऊपर था, यहाँ देखिए ये तीसरा है ना, तीसरे पे हमारे पास पहला हील फ्रेम फिर से ऊपर जाएगा, चौथे पे फिर से नीचे आएगा। अच्छा फिर दूसरा हील फ्रेम का हम देखेंगे कि पहले पिक पे हमारे पास नीचे था, क्यों, क्योंकि अगर पहले पिक पे फर्स्ट हील फ्रेम ऊपर होगा और दूसरा नीचे होगा तभी बीच में शेड बनेगा। तो क्या हुआ कि यहाँ ये दूसरा ऊपर था, ये इसके अपोजिट आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ज्यादा इसको कहते हैं स्ट्रेट ड्राफ्ट या स्ट्रेट पिक प्लेन, या इसको कहते हैं स्ट्रेट ड्राफ्ट। इसको स्ट्रेट ड्राफ्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर जो हमारे पास प्लेन वीव है या ट्वेल्थ वीव है उसके लिए हमारे पास जो पिक प्लेन या लिफ्टिंग प्लेन होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा डिजाइन के साथ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये पहला बार अगर आप देख रहे हैं उठाए ये बिल्कुल इसके साथ एग्जैक्ट है। तो हम इस तरह एक वो बना देंगे जिससे कि ये पहला हील फ्रेम है और ये दूसरा हील फ्रेम है। इस तरह आपने एरोज बनाने हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये पहला हील फ्रेम है, ये दूसरा हील फ्रेम है, पहले पे हमारे पास क्या था, पहले पिक पे हमारा हील फ्रेम ऊपर था, दूसरे पे नीचे था, तीसरे पे ऊपर था, चौथे पे नीचे था, इसी तरह दूसरा हील फ्रेम का भी ये सिस्टम है। तो ये हमारे पास जो है व्यू डिज़ाइन है, ड्राफ्ट प्लेन है, पिक प्लेन है और लिफ्टिंग प्लेन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास जिसको कहते हैं वीव रिपीट, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। वीव रिपीट किसे कहते हैं, द रिपीट ऑफ वीव इज द मिनिमम नंबर ऑफ वार एंड विफ थ्रेड्स टू मेक अ परफेक्ट वीव। मकसद ये है कि जो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ वार्प एंड विफ्ट थ्रेड्स होते हैं, कि फॉर एग्जांपल हमने 1x1 का बनाना है, ठीक है, तो 1x1 के लिए क्या है कि हमें एक वार्प चाहिए और एक विफ्ट चाहिए एक रिपीट के लिए, मतलब सिर्फ एक इंटरलेसमेंट के लिए, फिर दूसरे इंटरलेसमेंट के लिए फिर से यही चाहिए होगी, तीसरे के लिए फिर से चाहिए, चौथे के लिए फिर से, तो ये क्या है 1, 2, 3, 4 ये रिपीट होता जा रहा है, अपने आप को वापस रिपीट करता जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ एक चीज़ बना दूँ, जिस तरह मैंने आपको ये भी बताया कि 1x1 का ये मैं बना रहा हूँ, ये कुछ इस तरह है, ये देखिए इसने अपने आप को रिपीट किया हुआ है। मैं यहाँ आपको दिखा दूँ कि ये इसका एक यूनिट है, एक ब्लॉक है, यहाँ से ये वाला ये इसका एक ब्लॉक है और ये बाकी अगर इसको देखेंगे ना, ये बाकी इसको रिपीट कर रहा है, ये भी इसको रिपीट कर रहा है, ये भी इसको रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है, ये एक वार, ये हमारे पास क्या है, दो एंड्स हैं और दो पिक्स हैं, ठीक है, दो एंड्स और दो पिक्स एक दूसरे में इंटरलेस होके हमारे पास एक डिजाइन बना रहा है और ये इसको रिपीट कर रहा है, ये इसको रिपीट कर रहा है, ये इसको रिपीट कर रहा है, इसको रिपीट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं वीव रिपीट। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे प्लेन व्यू, 12 व्यू और बहुत सारे व्यू जो हैं हमने डिस्कस करने हैं, तो बेल आइकन आपने लाजमी दबाना है, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।